तो हे गाइस, तो क्या हालचाल है। तो दोस्तों आ गए हूँ एक और न्यू वीडियो लेकर, और ये वीडियो होने वाला है तुम सभी लोगों के लिए रॉयल पास का, जो सीजन 8 का रॉयल पास आने वाला है और न्यू अपडेट कब तक आएगा और सीजन 8 का रॉयल पास का टाइमिंग क्या होगा। और इस वीडियो में तुम लोगों को पूरा टीयर प्रोटेक्शन बताने वाला हूँ, मतलब टीयर ड्रॉप जो होने वाला है, देख सकते हो सीजन में जो टीयर ड्रॉप होता है तो वो तुम लोगों को कहाँ तक लेके जाएगा, मतलब आप क्राउन में हो तो आप कहाँ पे जाके न्यू अपडेट के बाद कहाँ पे जाके रहोगे, वो भी तुम लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ फुल डिटेल के साथ। तो ये वीडियो के साथ बने रहे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह के वीडियोज़ नॉलेजेबल हम लाते रहते हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोगों को मैं बता दूँ कि यहाँ पे आरपी को लॉक कर दिया गया है, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे टैप करते ही यहाँ पे बता दे रहा है। अब ये इसका टाइमिंग तुम लोगों को सब बताऊंगा इस वीडियो में, कब आने वाला है सीजन 8 और उसके साथ साथ सभी बताने वाला हूँ टीयर का ड्रॉप कहाँ कैसे होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अपना कलेक्ट कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कलेक्ट कर लिया जाए, इसका तो कोई फायदा है नहीं, ये हमारा जमा होगा, ठीक है। तो चलिए तुम लोगों को डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे देख लो तुम लोगों को पूरा मतलब डिटेल में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पबजी मोबाइल का जो जापान का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहाँ से एक मतलब निकल के आ चुका है, जो उन्होंने ऑफिशियल मतलब ट्वीट कर दिया है कि सीजन का एंड होने वाला है, मतलब सीजन 7 का एंड हो जाएगा आज, मतलब 9 बजे, मतलब आज सुबह का 9 बजे यहाँ पे लॉक कर दिया गया था 15 जुलाई को मंडे को, ठीक है। अब इसका जो आफ्टर देख सकते हो यहाँ पे, आफ्टर द एंड ऑफ सीजन रॉयल पास पॉइंट विल बी रीसेट, ठीक है। अब रॉयल पास अभी तुम लोग गेम खेलोगे तो तुम्हारा उसमें कोई मतलब इंक्रीज वगैरह ये सब नहीं होने वाला, मतलब रीसेट हो जाएगा, और यहाँ पे तुम लोगों को रिवॉर्ड जो होगा वो सब भी कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, सीजन 8 विल बी स्टार्ट फ्रॉम जुलाई 17, तो ये तो तुम लोगों को मैंने पहले ही बताया था। लेकिन टाइमिंग यहाँ पे देख सकते हो कि अपडेट जो होगा ना, मतलब सीजन 8 का जो रॉयल पास का अपडेट आएगा, जो इन गेम ओपन कर दिया जाएगा, वो तुम लोगों को 11 बजे तुम लोगों को सुबह में, ऐसे तुम लोग इंडियन टाइम में तुम लोगों को 9 बजे तक भी, 7:30 के बाद तुम लोगों को इंडियन टाइम में तुम लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 7:30 में तुम लोगों को रॉयल पास खरीद सकते हो, ऐसा हो जाएगा तुम लोग, ठीक है। अब 0.13.5 का अपडेट कब आता है, तो वो तुम लोगों को कल मिलने वाला है, कल दोपहर तक तुम लोगों को इन गेम अपडेट आ जाएगा, 120 या 105-6 MB का, ऐसे ज़्यादा MB का नहीं होगा वो अपडेट, वो तुम लोगों को इन गेम देखने को मिल जाएगा। अब हम चलते हैं टीयर प्रोटेक्शन, मतलब सॉरी टीयर का ड्रॉप कैसे होने वाला है, तुम लोग अगर कहाँ पे हो तो कहाँ जाओगे, अगर एस में हो तो किस पोजीशन पे तुम लोग को रखा जाएगा, अगर गोल्ड पे हो तो कहाँ पे रखा जाएगा, ये सब मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग अब देख लो डिवीजन, यहाँ पे देख सकते हो, अगर तुम ब्रॉन्ज और सिल्वर के अंदर में हो तो तुम लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम वहीं के वहीं रहोगे और उससे ज़्यादा नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, खाली तुम लोग का जो टीयर का पॉइंट होता है ना वो तुम लोग को ज़्यादा मतलब इतना मिल जाएगा, देख सकते हो तुम लोग सिल्वर, अगर सिल्वर 1 में हो तो तुम लोग को 2100 पॉइंट मिल जाएगा, तुम लोग वहीं रहोगे, ठीक है। अगर गोल्ड में अगर हो तुम तो गोल्ड में ही रहोगे, गोल्ड 5 में ही रहोगे तुम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोग को प्लैटिनम में अगर हो तो तुम लोग को गोल्ड में भेज दिया जाएगा, देखो प्लैटिनम 5 से लेकर 5 और 4 को तुम लोगों को 5 और 4 प्लैटिनम 5 और 4 में जो बंदा है उसको गोल्ड 4 में भेज दिया जाएगा, अगर जो बंदा प्लैटिनम 3 और 2 1 में है तो उसे गोल्ड 3 में भेज दिया जाएगा। पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो 2400-2300 पॉइंट आपको मिला रहेगा, अब तुम लोग को उस वहाँ उसके बाद तुम लोग को रैंक पुश करना होगा वहाँ से, ठीक है। अब डायमंड की बात करते हैं, डायमंड 5 में जो बंदा है और 4 में बंदा है उसको गोल्ड 3 में भेजा जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे गोल्ड 2 में भेजा जाएगा, और जो बंदा डायमंड 3 में उस बंदा को गोल्ड 2 में भेजा जाएगा, और जो बंदा डायमंड 2 में है उसको गोल्ड 1 में भेजा जाएगा, और डायमंड 1 वाले को भी गोल्ड 1 में ही भेजा जाएगा, सिर्फ पॉइंट भी कुछ नहीं होगा, गोल्ड 1 में रहेगा। अब हम बात करते हैं क्रॉन के, क्रॉन में जो देख सकते हो यहाँ पे क्रॉन 5 में जो बंदा है उसको प्लैटिनम 4 में भेजा जाएगा, और क्रॉन 4 में भी है उसको भी 4 में भेजा जाएगा, ठीक है। मतलब प्लैटिनम 5 में रहोगे तुम लोग, और जो बंदा क्रॉन 4 में हो तो उसको यार यहाँ पे टेंशन है थोड़ा, मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं है यार, तुम लोग अगर एस में भी हो कॉन्करर में भी हो तुम्हें तो अब सब जगह से यहाँ पे प्लैटिनम में ला के रख दिया जाएगा, अब वहाँ से तुमको पुश करना होगा अपना रैंक को, ठीक है। तो क्राउन 1 वाले को यहाँ पे प्लैटिनम 3 मिलेगा, ठीक है, क्राउन 2 वाले को भी प्लैटिनम 4 मिलेगा, और जो बंदा एस में अभी भी है उसको मिलेगा प्लैटिनम 2, हाँ प्लैटिनम 2, और कॉन्करर वाले को भी प्लैटिनम 2 मिलने वाला है। तो भाई
टू या थ्री मिलने वाला है यार। यहाँ पे थोड़ा कटा हुआ है मेरा में इमेज, थ्री मतलब प्लेटिनम थ्री में सबको ला कर रख दिया जाएगा। यहाँ पे जो भी बंदा कॉन्करर पुश करके रखा है, लेकिन उसे तो मज़ा आने वाला है क्योंकि उसे एक इफेक्ट मिलने वाला है जो कि बहुत ही मज़े वाला लाइटनिंग होगा। ठीक है, तो ये सब एक पूरा टायर का ड्रॉप होने वाला है। जो टीयर ड्रॉप होगा तुम लोगों को कहाँ से कहाँ फेंक दिया जाएगा तुम लोग देख सकते हो। अगर जो बंदा क्राउन में है उसको प्लेटिनम फोर में भेज दिया जाएगा, एस में है उसको भी थ्री में प्लेटिनम थ्री में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे तुम लोग रुक के पूरा अपना देख लो, तुम जहाँ पे हो उस जगह पे कहाँ पे जाओगे। तो मेरा यहाँ पे देखो क्राउन फाइव में हुआ अभी मैं, और मुझे प्लेटिनम फाइव में भेज दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है मुझे कि प्लेटिनम फाइव में 2700 पॉइंट मिला रहेगा, वहाँ से अब मेरे को अब ऊपर जाना होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। और जैसे ही रॉयल पास आता है और कोई भी न्यू अपडेट देखने को मिलता है तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम में स्टोरी वगैरह पोस्ट करके बता दूंगा। तो तुम लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए ना, तो ये रहा मेरा आईडी, तुम लोग जाकर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।